बहुत बहुत बधाई हो, आपका जन्मदिन कल था। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया संजय जी। आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो बधाई दी है? देखिए, मैं एक तो सबसे पहले अपने दर्शकों से, अपने ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी आप सभी ने मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाया कि मैं क्या कहूँ। 7 जुलाई, जी हाँ, 7/7, 7 तारीख, 7वां महीना मेरा जन्मदिन होता है, जिसको आप लोग बहुत ही खास बना देते हैं। कल भी बहुत सारे हजारों की संख्या में मैसेज, बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट आए। मैं थोड़ा सा, चूंकि मेरी प्लानिंग ऐसी थी नहीं, लेकिन संयोग ऐसा बन गया कि कल के डेट में ही हमारी शूटिंग डिसाइड हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, जितना हो सका मैंने किया है। अगर मेरे से गलती से मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ तो माफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत संख्या में विशेष थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे जन्मदिन की शुभकामना दी, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आप हमेशा भोले बाबा का अवतार में रहते हैं और इस बार सिनेमा का नाम है नाथों के नाथ भोलेनाथ, क्या कुछ कहती है फिल्म? अनाथों के नाथ भोलेनाथ, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फिल्म जो है भोलेनाथ की महिमा का बखान करेगी। तो सच बात है, जिस तरह मैं बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ और फिल्म भी उनके नाम से है, तो आप लोग, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड में देवघर है और देवघर के बाबा बैद्यनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं। हर साल सावन में वहाँ कांवर का जो एक सिलसिला चलता है एक महीने, जो तो ये बहुत ही आस्था है लोगों की बाबा बैद्यनाथ में, 11 ज्योतिर्लिंगों में मतलब उनका नाम है। तो बस उनकी थोड़ी सी महिमा का बखान करने की कोशिश की है इस फिल्म में। बाकी फिल्म पारिवारिक है, बहुत अच्छा मैसेज है, सोशल है, एंटरटेनिंग है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की महिमा का बखान इसमें बखूबी करने की कोशिश की। अगर हम कास्ट की बात करें तो कौन-कौन से कलाकार हैं मुख्य भूमिका में? आपको बता दूं कि बहुत दिनों के बाद इस बार इस फिल्म से कम बैक करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही खास, प्यारे छोटे भाई, बहुत अच्छे सिंगर और बहुत अच्छे एक्टर हमारे लिए, क्योंकि हमने इनके साथ एक सुपरहिट फिल्म दी है गठबंधन प्यार के, और उसके बाद हम एक बार फिर से दोबारा इस फिल्म में छोटू छलिया जी को लेकर आए हैं, और उनके साथ बहुत ही उम्दा अभिनेत्री, चूँकि ये इनकी डेब्यू फिल्म है, नई फिल्म है, और चूँकि छोटू छलिया जी और काजल, बेबी काजल जी की जोड़ी ऑडियो में बहुत हिट है, वीडियो में बहुत पसंद किया जाता है इनकी जोड़ी को, तो वो जोड़ी को इसमें रिपीट किया है, बेबी काजल ने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, सोनल त्रिवेदी, ओपी कश्यप जी, अरुण सिंह काका, बहुत सारे एक्टर हैं इसमें जिन्होंने अपने अभिनय को बहुत अच्छा किया है। काजल सिंह जी हैं, बहुत लंबे अंतराल के बाद गठबंधन प्यार की जो हीरोइन थी वो इसमें एक अहम किरदार में नजर आएंगी। ये सेकेंड लॉकडाउन के पहले, यानी 2 लॉकडाउन के बीच में जो समय मिला था उसी में हमने इस फिल्म के शेड्यूल को कंप्लीट किया था। झारखंड में पतरातू में हमने इसकी शूटिंग की थी, क्योंकि 2 दिन का काम बैलेंस था, तो हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि कुछ काम हमें बॉम्बे करना है, ये काम पहले ख़त्म हो जाता अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता। तो जैसे अभी लॉकडाउन से थोड़ी सी माहौल थोड़ा ठीक हुआ है, तो हमने ये 2 दिन का काम आज हमारा आखिरी है, और इसके बाद हमारे पिक्चर मतलब शूटिंग के मामले में कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि बाकी जितने शूट हुए हैं उसका पोस्ट प्रोडक्शन आई फोकस स्टूडियो में हमारा चल रहा है। बैकग्राउंड देख रहा हूँ काफ़ी लड़की है कोरस में, जी हाँ, एक खास गाना है, बहुत अच्छा खास गाना है, पनवा के पातर नियन पातर बाड़ू ए गोरिया दूजे धनी बाड़ू सुखवार, वो बड़ा ही स्पेशल रोमांटिक डुएट सॉन्ग है। तो उसमें ये जो कन्याएं हैं हमारे, जो पीछे देख रहे हैं हमारी जो डांसर्स हैं, वो हमारे हीरो हीरोइन को पीछे से सपोर्ट करेंगे और परफॉर्म करेंगी, तो ये डांसर्स उसी के लिए आप आई। काफ़ी फिल्म में डायरेक्शन किया, अभी कौन कौन से रिलीज करें जो रेडी है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरी जो सबसे हालिया रिलीज होने वाली फिल्म है वो है प्रीत का दामन 2, वो कल ही B4U चैनल पे आने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरह आपने मेरी पहली फिल्म को सफल बनाया था, इसे भी आप देखें और आशीर्वाद दें। इसके अलावा मेरी फिल्म राजमहल है, लव एक्सप्रेस है मेरी फिल्म, और इसके अलावा अनाथों के नाथ भोलेनाथ, ये तो देख ही रहे हैं। ये 2-3 फिल्में जो हैं, सर्वशक्तिशाली महादेव एक फिल्म है, ये सब फिल्में जो हैं रेडी टू रिलीज के कागार पे हैं। जय माँ विंध्यवासिनी भी फिल्म है, वो भी आने वाली है, वो भी बहुत जल्द दर्शकों को देखने को मिलेगी। इंडस्ट्री पे जी, इंडस्ट्री में लॉकडाउन में काफी लोग उथल पुथल चर्चा है अश्लीलता को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, तो आप इसमें कितना विश्वास करते हैं? देखिए, अश्लीलता तो लोगों के दिमाग में होती है, ये तो सच बात है।
आप देखते हैं तो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, आप सुनते हैं तो लोग सुनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं किसी को दोष ज़्यादा नहीं देता हूँ, जैसे मैं ना कभी इस पर बोलता हूँ ज़्यादा, ना बोलने में ठीक समझता हूँ। आप मेरी फिल्में उठाकर देख लीजिए, मेरी फिल्में आज तक मैंने जितनी फिल्में एज ए डायरेक्टर की है वो साफ सुथरी, परिवार के देखने लायक, परिवार के साथ बैठ के देखने योग्य है। तो ये बोल के नहीं होता है, तो करना पड़ता है। हमें पसंद नहीं, हम नहीं देखते हैं, हमें नहीं सुनना होता है गाना, हम नहीं सुनते हैं। तो पहले अपने अंदर के चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, बाकी तो सब ठीक है। राजनीति में मनोज जी बीजेपी में है, रवि जी बीजेपी में है, पवन जी बीजेपी में है, खेसारी जी भी हाल में समाजवादी पार्टी से मुखिया अखिलेश जी से मिलने गए थे, और उस पर लेकर काफ़ी दर्शकों में मारामारी चल रहा है, आप क्या कहेंगे, उनको जाना चाहिए समाजवादी में? देखिए इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। देखिए ये अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा है, हर पार्टी के अपने विचार है, अपनी विचारधारा है। तो हर व्यक्ति को ये खुला अधिकार है कि वो किस विचारधारा के साथ जुड़ता है। अगर किसी को लेकर राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलता है, जैसे खेसारी लाल यादव यादव हैं और यादव से जाकर के पार्टी मिल रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे सिनेमा जगत में कोई ऐसे जाति का कोई संगठन है, और अगर किसी पार्टी विशेष में अगर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश तो किसी एक जाति विशेष से चलती नहीं है, कोई भी समाज एक जाति विशेष चलती नहीं है। तो मैं इस विषय में ज़्यादा वो नहीं कहना चाहूँगा, और यही कहूँगा कि भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी राय है, जो जहाँ कंफर्टेबल महसूस होता है, जिनको जिस विचारधारा जिसकी विचारधारा पसंद आती है उनको अधिकार है कि वो उनके साथ। एक और न्यूज़ आ रही है कि रवि किशन के क्षेत्र यानी गोरखपुर से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो मैंने आज पहली बार आपके मुंह से सुना है, अगर अगर लड़ रहे हैं तो भाई ये तो किसी ना किसी को तो लड़ना ही है, तो अगर वो लड़ रहे हैं तो भाई आपके तो दोनों प्रिय है, कुछ कहना चाहेंगे दोनों? हमारे लिए दोनों प्रिय हैं, और अब ये तो एक बड़ा एक अलग तरीके का माहौल हो जाएगा, लेकिन चलिए वो तो प्रतिद्वंदता तो रहती है भाई। हमारे यहाँ फिल्में भी बनती है, तो एक हीरो के सामने दूसरे हीरो की फिल्म जब रिलीज होती है टकराती है, तो चुनावी मैदान में भी जब एक दूसरे के सामने टकराएंगे तो किसी ना किसी का तो मतलब वो रिजल्ट तो जनता जनार्दन के हाथ में है, मैं यही कहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।